बेकरी जैसे बटर कुकीज आज आपके लिए हम बनाएंगे जो फ्लावर शेप में है और ये बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनी है और इसे बनाना भी उतना ही आसान है। कुकीज बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ 100 ग्राम बटर लिया है, 60 ग्राम पिसी हुई चीनी डाल रहे हैं। आप बटर सॉल्टेड या अनसॉल्टेड कोई भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ सॉल्टेड बटर यूज किया है और बटर जो है ये रूम टेम्परेचर पे है। दोनों चीजों को हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, तब तक करना है मिक्स जब तक बटर बिल्कुल लाइट और फ्लफी ना हो जाए। तो यहाँ बटर बिल्कुल लाइट हो चुका है, बिल्कुल क्रीम फॉर्म में आ गया है, तो कुछ इसी तरह का हमें बटर चाहिए। अब इसमें हम डाल रहे हैं मैदा 120 ग्राम यानी 120 ग्राम, 2 बड़े चम्मच यानी 2 टेबल स्पून मैंने कस्टर्ड पाउडर का यूज किया है। और इसके बाद एक बार फिर से सभी चीजों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है और इसका एक डो बनाना है। डो बनाने के लिए दूध या पानी का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। बटर कुकीज के लिए डो बिल्कुल तैयार हो चुका है, अब हम ट्रे तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने ओडी का इको बेक पार्चमेंट पेपर लिया है और ये इको फ्रेंडली है, साथ में से आप कई बार यूज कर सकते हैं। आप इसे कुकिंग में, बेकिंग में यूज कर सकते हैं, अवन में रख सकते हैं या कढ़ाई में अगर बेकिंग कर रहे हैं तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। तो ये अवन के लिए मैंने तैयार कर लिया है और साथ में कढ़ाई के लिए भी मैंने एक प्लेट तैयार कर ली है। कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पर हम प्रीहीट करेंगे यानी गर्म करेंगे और इसी तरह अवन को आप 180 डिग्री पर प्रीहीट होने के लिए स्टार्ट कर दें। तो अब हमें फटाफट कुकीज बनानी है। तो यहाँ मैंने पाइपिंग बैग लिया है और N1 नोजल लिया है, इन दोनों को हम सेट कर लेते हैं और इसके बाद इसमें डो डाल देते हैं। तो आज हम आपको 2 तरीका बताएंगे और अगर आपके पास नोजल नहीं है, पाइपिंग बैग नहीं है, तो आप डायरेक्ट हाथ से कोई भी शेप में कुकीज को बना सकते हैं। तो डो को मैंने डाल दिया है। सबसे पहले हम डायरेक्ट यानी पाइपिंग बैग को दबाते हुए इस तरह फ्लावर शेप में कुकीज को बना लेते हैं। तो इस तरह आप कुकीज बना सकते हैं और आप डायरेक्ट नोजल का यूज करके भी कुकीज बना सकते हैं। तो नोजल में आपको डो को डालना है और इस तरह प्रेस करना है। इस समय आपका हाथ यानी हैंड बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। तो अब हम कुकीज के बीच में डाल रहे हैं क्रश। यहाँ मैंने स्ट्रॉबेरी क्रश का यूज किया है, आप जैम का यूज कर सकते हैं। और इसके बाद ये बिल्कुल तैयार हो चुका है बेक करने के लिए। तो इसी तरह हम कढ़ाई वाली जो प्लेट है इसे भी तैयार कर लेंगे और इसमें भी हमने जैम लगा दिया है यानी क्रश लगा दिया है। और अब हमें दोनों को रखना है। तो सबसे पहले हमने माइक्रोवेव में रखा है लो रैक पर, अगर अवन में या ओटीजी में बेक कर रहे हैं तो मीडियम रैक पर रखें। 180 डिग्री पर लगभग 12 से 14 मिनट लगेगा इसे बेक होने में। इसी तरह हम कढ़ाई में रखेंगे, कढ़ाई में मीडियम फ्लेम पर बेक करना है और लगभग 15 से 16 मिनट में ये बेक हो जाएगा। 10 मिनट बाद आप चेक कर सकते हैं क्योंकि फ्लेम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप इसे 10 मिनट बाद चेक कर लें। कढ़ाई वाली कुकीज बेक हो गई है और बहुत ही बढ़िया कलर दिख रहा है। आप इसे थोड़ा कम या ज्यादा बेक कर सकते हैं, यानी थोड़ा डार्क कलर में या थोड़ा लाइट कलर में बेक कर सकते हैं। और इसे मैंने अवन में बेक किया है तो दोनों कुकीज बहुत ही बढ़िया दिख रही है। और ये देखिए, इसे मैंने अवन में बेक किया है। अगर आपके पास अवन है तो अवन बना सकते हैं, बिल्कुल भी चिपकी नहीं है और बहुत ही बढ़िया दिख रही है। और अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप इस तरह कढ़ाई में बेक कर सकते हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनती है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं, कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। एक बार फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।